एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो ये टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स का पांचवा वीडियो है। इससे पहले हमने चार वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, और आपको और मेटलर्जी के बाकी सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट भी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की और पढ़ते हैं रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हार्डनेस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ हार्डनेस? तो हार्डनेस मतलब रेजिस्टेंस टू स्क्रैचिंग एंड इंडेंटेशन, मतलब किसी मटेरियल का स्क्रैचिंग को रेजिस्ट करने की क्षमता या इंडेंटेशन। इंडेंटेशन मतलब इसे सुई को चुभा देते हैं ना किसी पे, है ना, सुई चुभाना वो एक इंडेंटेशन के एग्जांपल है ना। तो स्क्रैचिंग या इंडेंटेशन को जितना वो मटेरियल रेजिस्ट कर सकता है उसकी हार्डनेस वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं चॉक से लिखता हूँ, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड में। ठीक है, तो चॉक का हार्डनेस कम है, ब्लैक बोर्ड का हार्डनेस ज़्यादा है। ठीक है, तभी जाके चॉक क्या होता है, उसमें स्क्रैचिंग होता है और चॉक आप उसमें लिख पाते हो। ठीक है, अगर चॉक का हार्डनेस ज़्यादा होता तो क्या होता, ब्लैक बोर्ड में स्क्रैचिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है हार्डनेस का। ठीक है, तो हार्डनेस के बारे में हम पढ़ते क्यों हैं? देखिए, हार्डनेस की ज़रूरत बहुत सारी जगह पे पड़ती है। जैसे पहला, जहाँ पे दो कंपोनेंट के बीच में मूवमेंट हो रहा है या बोल सकते हो फ्रिक्शन हो रहा है, जैसे कि गियर। गियर में क्या होता है, दो गियर के बीच में मूवमेंट होता है, मतलब फ्रिक्शन होता है। तो अगर उसमें प्रॉपर हार्डनेस नहीं होगा गियर में तो क्या होगा, उसमें जल्दी वियर हो जाएगा। वियर मतलब वो जल्दी घिस जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमको हार्डनेस की ज़रूरत है ताकि वो जो गियर है वो जल्दी ख़राब ना हो, ज़्यादा टाइम तक चल पाए। ठीक है, दूसरी जगह है कटिंग टूल्स में। ठीक है, कटिंग टूल्स में हमें हार्डनेस की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो ज़्यादा हार्ड मटेरियल है वो अपने से कम हार्ड मटेरियल को काट सकता है। ठीक है, जैसे कि चाकू हो गया, कैंची हो गया, है ना, नाइफ्स, सीजर्स, ये सब। और इसके अलावा जो कटिंग टूल्स होते हैं आपके लेथ मशीन में और दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे आपको हार्डनेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमको मटेरियल में हार्डनेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उस हार्डनेस को हमें चेक करना पड़ता है कि उसका हार्डनेस कितना है। ठीक है, तो वही हम पढ़ रहे हैं हार्डनेस टेस्टिंग। ठीक है, अब देखो, बहुत पहले ना जब ये सब ब्रिनल रॉकवेल टेस्टिंग मशीन नहीं आया था तो मोह स्केल हुआ करता था, इसको मोह स्केल ऑफ हार्डनेस बोलते हैं। इसमें क्या किया गया था, बहुत सारे मटेरियल को ना उसके हार्डनेस के अकॉर्डिंग जमाया गया था। जैसे सबसे कम हार्ड है आपका टॉल्क, इसको एक नंबर दिया गया। इसके ऊपर है जिप्सम, इसका हार्डनेस नंबर 2 था, कैल्साइट का 3 था। वैसे सबसे ऊपर में क्या है, डायमंड, इसका नंबर 10 था। ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल था। तो स्केल कैसे बनाया गया था, इसमें जैसे टॉक और जिप्सम है ना, ये टॉल्क और जिप्सम, इन दोनों को स्क्रैच करके देखा गया। तो ये पाया गया कि जिप्सम और टॉल्क को मैं जब स्क्रैच करता हूँ तो ये टॉक है ना, यहाँ पे स्क्रैचिंग हो जाता है और जिप्सम में नहीं होता है, मतलब जिप्सम की हार्डनेस ज़्यादा है। वैसे ही फिर जिप्सम और कैल्साइट का स्क्रैचिंग किया गया तो देखा गया कि कैल्साइट में स्क्रैच नहीं आया, जिप्सम में आ गया, तो कैल्साइट का हार्डनेस ज़्यादा है। तो ऐसे कर करके मटेरियल को एक स्केल में जमाया गया, इसको बोलते हैं मोह स्केल। ठीक है, अब अभी के टाइम पे आ गया है इंडेंटेशन हार्डनेस। इंडेंटेशन हार्डनेस मतलब बाय इंडेंटेशन वी डिटरमाइन द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो इंडेंटेशन मेथड में क्या होता है, इंडेंटर होता है। ठीक है, अब हर एक मशीन में ना अलग अलग इंडेंटर होता है। इंडेंटर का सबसे, जब घर का एग्जांपल दें तो सुई है। ठीक है, जैसे सुई को मैं मान लीजिए गद्दे में चुभाता हूँ तो सुई गद्दे में बहुत आसानी से अंदर चली जाएगी। वहीं अगर चौक में लूँगा तो चौक में भी थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो अंदर चली जाएगी। फिर लकड़ी में मान लो स्विच उगाना है तो लकड़ी में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तब उसमें इंडेंटेशन होगा। ठीक है, तो जितना मुश्किल से इंडेंटेशन होगा ना, जितना मुश्किल से पेनिट्रेशन होगा उतना ज़्यादा उसका हार्डनेस होगा। ठीक है, तो इंडेंटेशन हार्डनेस मेथड में क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग ज्योमेट्री के इंडेंटर होते हैं, जैसे बॉल इंडेंटर, कोन इंडेंटर या पिरामिड इंडेंटर। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग इंडेंटर होता है, इसको पेनिट्रेट कराया जाता है स्पेसीमेन में, मतलब आपके सैंपल में, और ये देखा जाता है कि कितना लोड आपको लगाना पड़ रहा है इंडेंट करने के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा और जितना कम इंडेंटेशन होगा उतना ज़्यादा हार्डनेस होगा। अब ये जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होगा ना सैंपल के अंदर,
वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों में। पहला तो लोड अप्लाइड, आपने कितना लोड अप्लाई किया। दूसरा डायमेंशन क्या है इंडेंटर का। थर्ड है टाइम, कितने टाइम के लिए आपने लोड अप्लाई किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। इन सब का यूटिलाइज उपयोग किया जाता है मेटल के हार्डनेस को पता करने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं जब इंडेंटेशन जब हम कराते हैं ना किसी सैंपल में, तो ये देखा जाता है कि कितने डेप्थ तक उसमें इंडेंटेशन हो गया है। ठीक है, जैसे ये मटेरियल है, अब मान लीजिए इसमें इतने अंदर तक इंडेंटेशन हुआ है, और मान लीजिए दूसरा मटेरियल है इसमें इतने अंदर तक इंडेंटेशन हुआ, मतलब सेकेंड वाले में इंडेंटेशन ज़्यादा अंदर तक हुआ है। ठीक है, तो इसका हार्डनेस क्या होगा, कम होगा सेकेंड का। नहीं, हाँ, जिसमें ज़्यादा इंडेंटेशन हुआ उसका हार्डनेस ज़्यादा, जिसमें कम हुआ उसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इंडेंटेशन में डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा इंडेंटेशन होगा उतना कम हार्ड होगा। ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, इंडेंटेशन के बाद ये पता लगाया जाता है कि कितने डेप्थ तक इंडेंटेशन हुआ है। ठीक है, या एरिया ऑफ इंडेंटेशन कितना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सैंपल है, इसके अंदर मैंने बॉल इंडेंटर को इसको इंडेंट किया, तो ये बॉल कितने अंदर तक धंस जाता है। ठीक है, तो अंदर तक धंसेगा, और जब आप इसको इंडेंटर को निकालोगे तो एक गड्ढा बन जाएगा सैंपल में, एक गोल सा गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, तो वो गड्ढे का सरफेस एरिया कितना है। ठीक है, इन सब चीज़ों से हम मेटल का हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं, है ना। जितना ज़्यादा इसका एरिया होगा, इंडेंटेशन एरिया होगा, उतना कम उसका हार्डनेस होगा। ठीक है, अब जो सैंपल होता है ना, सैंपल को टेस्टिंग से पहले जनरली हम एक सैंपल प्रिपरेशन कर लेते हैं। सैंपल प्रिपरेशन में क्या होता है, आपको जो सैंपल है ना उसके सरफेस में किसी तरीके से रस्टिंग वगैरह, ऑयल वगैरह या डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्या कर सकता है, हार्डनेस वैल्यू को मतलब चेंज कर सकता है। मतलब एक्चुअल हार्डनेस वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर रस्टिंग वगैरह होगा तो, है ना, आपकी हार्डनेस वैल्यू गलत होगी। तो उसके लिए आपका सैंपल जो होता है ना उसको एमरी पेपर से पहले एक बार घिस लेते हैं, ताकि इसका सरफेस जो है वो स्मूथ हो जाए, है ना। और टाइम ऑफ हार्डनेस का जो टाइमिंग होता है ना, वो 10 से 150 सेकेंड तक हो सकता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा जो इंडेंटर है, किस टाइप का आपको इंडेंटर यूज़ करना है, वो भी सैंपल पर डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का आप टेस्टिंग कर रहे हो, है ना। अब देखिए कितने टाइप के इंडेंटेशन हार्डनेस मेथड आते हैं, है ना। तो पहला है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, विकर हार्डनेस टेस्ट और माइक्रो हार्डनेस टेस्ट। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रॉकवेल के बारे में। ठीक है, ब्रिनल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन, ये देखो ये आपका फोटो यहाँ पे देख रहे हो, इस तरीके से दिखता है रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। तो ये इसका बाहरी जो फ्रेम है वो कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, अब इस मशीन में देखो क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इस मशीन में देखो यहाँ पे ये वाला पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं एनविल, ये यहाँ पे जो दिख रहा है ना इसको बोला जाता है एनविल। इसी के ऊपर हम सैंपल को रखते हैं। ठीक है, ये एनविल के नीचे ये जो है ना यहाँ पे स्क्रू बना रहता है, स्क्रू। और यहाँ पे देखो नीचे में दिया है हैंड व्हील, ये घुमाने के लिए, है ना, ये घुमाने के लिए हैंड व्हील दिया है। इसको जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, मतलब जब हम इस डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे तो एनविल जो है ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें लगा हुआ है स्क्रू। तो जब हम हैंड व्हील को राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो एनविल ऊपर जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो एनविल नीचे आएगा। ठीक है, तो करते क्या है, सैंपल को यहाँ रखते हैं, उसके बाद इंडेंटेशन कराने के लिए आपको ऊपर ले जाना पड़ता है एनविल को, तो ये हैंड व्हील को घुमा के हम ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें पार्ट क्या है, ये वाला इधर देखो, ये आपका लीवर है, लोडिंग अनलोडिंग लीवर इसको बोलते हैं। ठीक है, इस लीवर के जरिए आप लोड देते हो और अनलोड करते हो। तो देखिए अगर ये जो लीवर जो है ये ऑपरेटर के उस तरफ हो, जैसे यहाँ पे ऑपरेटर खड़ा होगा टेस्टिंग करने के लिए, तो ये जो लीवर है अगर उस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, ऑपरेटर के अगेंस्ट वाला डायरेक्शन में है, तो ये है लोडिंग कंडीशन में है, ये भी क्या है, लोडिंग में है। ठीक है, अगर ये इस तरफ है, ऑपरेटर की तरफ है ऐसे, तो ये है अनलोडिंग कंडीशन में है। ठीक है, ये क्या है, अनलोडिंग, मतलब ऑपरेटर की तरफ है लीवर तो अनलोडिंग है, अगर ऑपरेटर की उस तरफ है तो लोडिंग कंडीशन है। ठीक है, वैसे मशीन में यहाँ पे दिया रहता है, उसमें आपको एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है, मशीन में दिया रहता है कि किधर लोडिंग है किधर अनलोडिंग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे होता है लोड सेलेक्टर नोब, यहाँ से आप क्या करते हो, लोड को सेलेक्ट करते हो कि कितना लोड आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इंडेंटेशन के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पे ये है डायल,
ये डायल क्या है, इसमें पॉइंटर लगे होते हैं, ये डायरेक्टली रिजल्ट दे देता है हार्डनेस वैल्यू का। इसमें किसी तरीके से आपको मैथमेटिकल मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली डायल में आपको पॉइंटर से आपको हार्डनेस वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो ये पूरे मशीन के पार्ट हो गए। अब जान लेते हैं कि हम इसका प्रिंसिपल क्या है मशीन के, ये मशीन वर्क कैसे करता है। देखिए, ये रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में हम दो तरीके लोड अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम माइनर लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। माइनर लोड जो होता है वो 10 kg का होता है। आगे जब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो माइनर लोड हम अप्लाई कर से कैसे करते हैं, ठीक है। आपको जो सैंपल होता है ना, उसमें सबसे पहले इंडेंटर को टच कराते हैं, फिर इसमें माइनर लोड अप्लाई करते हैं। माइनर लोड होता है 10 kg का, ठीक है। तो माइनर लोड क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि आपका जो इंडेंटर है थोड़ा सा सरफेस के अंदर चला जाए, एकदम थोड़ा सा अंदर चला जाए। इससे क्या होगा, जो सरफेस में डस्ट वगैरह है या रस्टिंग है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। माइनर लोड लगाने से क्या होता है, इंडेंटर थोड़ा सा अंदर चला जाता है, इससे जो सरफेस में डस्ट है रस्टिंग है उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर लगाया जाता है मेजर लोड, इसके बाद लगाया जाता है मेजर लोड, ठीक है। तो मेजर लोड की वैल्यू कितनी होगी वो डिपेंड करता है आप कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हो। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्केल होते हैं, ठीक है। जिस तरह का जो भी स्केल आप यूज़ करोगे ना, उसके अकॉर्डिंग आप मेज़र लोड अप्लाई करोगे। तो जब आप मेज़र लोड अप्लाई करोगे तो इंडेंटेशन होगा, आपका इंडेंटर मेटल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन कितना होगा, कितने अंदर तक इंडेंटर गया, उसके बेसिस पे ये हार्डनेस वैल्यू कैलकुलेट करता है ये मशीन, ठीक है। तो इसमें दो तरह का इंडेंटर हम यूज़ करते हैं, एक होता है स्टील बॉल इंडेंटर और दूसरा होता है डायमंड इंडेंटर। अभी मैं आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपको मशीन के बारे में तो मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। वही मशीन देखिए, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन वही है, बट कई जगह डिज़ाइन अलग होता है, लोडिंग अनलोडिंग करने का तरीका अलग होता है, बट जो मेन काम करने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, वो सबसे में सेम रहेगा, ठीक है। इसमें तो मैंने बता दिया, ये आपका डायल डायल है, यहाँ पे आप देखो ये है इंडेंटर, यहाँ पे इंडेंटर नाम दिया, ये इंडेंटर है, यहाँ पे आप इंडेंटर लगाते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं इंडेंटर का आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये देखिए इस तरह का होता है इंडेंटर। जैसे ये आपका डायमंड इंडेंटर है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं डायमंड कोन इंडेंटर। इसका जो एंगल जो होता है डायमंड, ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं डायमंड इंडेंटर, ठीक है। और ये जो है स्टील बॉल इंडेंटर है, देखो यहाँ पे ऊपर में स्टील बॉल लगा हुआ है, जैसे आपके पेन में, पेन के नोक में लगा होता है ना ऐसा बॉल, इसी तरीके का क्या है, स्टील बॉल लगा हुआ है। तो ये स्टील बॉल इंडेंटर है और ये डायमंड इंडेंटर है। तो ये इंडेंटर आपका यहाँ पे लगा होता है, ठीक है, इस जगह पे है ना। और ये आपका एनविल है, तो ये जो एनविल है ना, वो बहुत सारे टाइप का एनविल आता है। ये देखिए पूरा ये एनविल है। ये एनविल अलग टाइप का क्यों आता है, क्योंकि मटेरियल के हिसाब से आपको आपको सैंपल को रखना है एनविल पे, ठीक है। तो अगर आपका सिलेंड्रिकल सैंपल है, कोई रॉड वगैरह, तो इस टाइप का इंडेंटर आप सॉरी एनविल यूज़ करोगे, ठीक है। अब आपका सैंपल बहुत छोटा है तो ये वाला एनविल यूज़ करोगे। तो अलग अलग डिज़ाइन का एनविल आता है, ताकि जो सैंपल है यहाँ पे, जो एनविल है ना, अलग अलग डिज़ाइन का आता है, ताकि आपका जो सैंपल है ना वो सही तरीके से आप उसको रख सको, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि हैंडविल इसको घुमाते हैं, इसको ऊपर नीचे करने के लिए, यहाँ पे लोड सेलेक्ट करने के लिए हैं, और इधर आपका लोडिंग अनलोडिंग लीवर होता है, ठीक है। अब देखिए मेन ये जो डायल है, ये डायल है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कैसे दिखता है या कैसे काम करता है। ये देखो ये डायल है, अब इसमें ध्यान से देखोगे तो ना, दो स्केल आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ इधर देखो, यहाँ पे ये छोटा स्केल है, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 4 वैल्यू लिखी हुई है, और ये छोटे स्केल के पास इधर देखो रेड कलर का एक डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये रेड कलर का डॉट दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, आगे इसका काम आएगा, ठीक है। आगे मैं इसका इम्पोर्टेंस बताऊंगा। और ये है बड़ी वाली पॉइंटर, ठीक है। अब इस स्केल में देखो दो तरीके का आपको दिख रहा होगा, एक रेड कलर पे वैल्यू लिखी हुई दिख रही होगी और एक ब्लैक कलर पे वैल्यू दिख रही होगी, ठीक है। तो रेड कलर की वैल्यू मतलब ये आपका बी स्केल को बता रहा है, रेड कलर की वैल्यू किसको बता रहा है, बी स्केल। अगर आप बी स्केल यूज़ करोगे ना, तो आप रेड कलर के स्केल में वैल्यू पढ़ोगे। अगर आप सी स्केल यूज़ करोगे तो आप ब्लैक कलर के वैल्यू को पढ़ोगे, ठीक है। तो अलग अलग स्केल के हिसाब से
आप अलग अलग स्केल को पढ़ते हो। अभी मैं बताऊंगा ए बी सी डी करके बहुत सारा स्केल होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें रेड और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, और दो पॉइंटर लगे होते हैं। अब देखिए इसमें, देखिए ये सब पूरा स्केल है। देखिए मटेरियल के हिसाब से इसमें आपको स्केल सेलेक्ट करना, जैसे कि मान लो मुझे सीमेंटेड कार्बाइड है ना, या थिन स्टील का मुझे क्या करना है, या केस हार्डेंड स्टील का मुझे हार्डनेस टेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ये वाला स्केल सेलेक्ट करोगे, स्केल ए। स्केल ए में क्या क्या बोला गया है कि इसमें इंडेंटर जो आप यूज़ करोगे ना, वो डायमंड कोन इंडेंटर यूज़ करोगे, ठीक है। इसमें लोड कितना दोगे आप, मेज़र लोड 60 केजी का दोगे, और रीडिंग किसका लोगे, जो ब्लैक डायल जो दिख रहा था ना, ब्लैक स्केल जो ब्लैक दिख रहा था, वो ब्लैक वाले का रीडिंग लोगे आप, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए मुझे कॉपर का करना है, कॉपर का हार्डनेस टेस्टिंग करना है, तो ये देखिए कॉपर मटेरियल, तो कॉपर के लिए आपको 20 स्केल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें इंडेंटर क्या होगा, 1.588 mm स्टील बॉल होगा, उसमें मेज़र लोड कितना होगा, 100 केजी का होगा, और आप रेड कलर को रीड करोगे, रेड कलर के स्केल को। तो डिपेंड करता है मटेरियल के हिसाब से, आपको यहाँ पर पूरा दिया गया है क्या मटेरियल आप टेस्टिंग कर रहे हो, स्पेसीमैन आपका क्या है, उस हिसाब से आप ये स्केल क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। तो ये स्केल मशीन में भी लगा रहता है बगल में, ठीक है, वहाँ से आप सीधा देख सकते हो कि कौन से स्पेसीमैन का टेस्टिंग करना है, उस हिसाब से आपको इंडेंटर सेलेक्ट करना है, उस हिसाब से आपको लोड को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये इंडेंटर पूरा दिया गया है, कोई भी टाइप का इंडेंटर आप यूज़ कर सकते हो, जैसे ये देखो, ये आपका डायमंड कोन इंडेंटर है, दिख रहा है कोन जैसा, ये आपका स्टील बॉल इंडेंटर है, ठीक है। तो अब सीधा आते हैं प्रोसीजर पे, मतलब आपको टेस्टिंग कैसे करना है, हार्डनेस टेस्टिंग। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा हार्डनेस टेस्टिंग का, वो है कि आपको इंडेंटर और मेज़र लोड को सेट करना है, ठीक है। कैसे सेट करना है, जैसे आपको पता होगा कि आपका स्पेसीमैन का मटेरियल का है, ठीक है, आप किस मेटल की आप टेस्टिंग करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे स्टील का हार्डनेस निकालना है, ठीक है, तो इसमें इस में आप स्टील खोजिए, कहाँ पे आपको स्टील दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टील, मतलब मुझे स्टील का हार्डनेस चेक करना है। तो आप देखिए कौन सा स्केल यूज़ करोगे, आप सी स्केल यूज़ करोगे, ठीक है। तो सी स्केल के लिए कौन सा इंडेंटर यूज़ करोगे, डायमंड कोन इंडेंटर, और मेजर लोड कितना लगाओगे, 150 का है ना। तो आपको क्या करना है, अगर स्टील की टेस्टिंग करनी है तो आप सी स्केल यूज़ करोगे, तो सी स्केल में कौन सा इंडेंटर लगाओगे, आप यहाँ पे लगाओगे डायमंड इंडेंटर को, यहाँ से लोड कितना सेलेक्ट करोगे, 150 केजी का लोड सेलेक्ट करोगे। तो ये पहला स्टेप होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो लीवर है ना, यहाँ पे लीवर, उसको अनलोडिंग पोजीशन में फिक्स करोगे, ठीक है। अनलोडिंग पोजीशन कौन सा होता है, अगर ये ऑपरेटर के साइड होगा तो अनलोडिंग पोजीशन है, तो आप उसको ध्यान देना है कि वो अनलोडिंग पोजीशन पे रहे, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका क्या होगा, स्पेसीमैन को या सैंपल को आपको एनविल पे रखना है। ये आपका एनविल है, इसमें देखो ये एनविल के ऊपर मैंने क्या रख दिया, इसको सैंपल को रख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में, अब इस एनविल को ऊपर लेके आना है। आपने क्या किया, सैंपल को एनविल पे रख दिया, अब आपको इसको ऊपर लेके आना है। तो हैंडविल है, तो हैंडविल को क्या करोगे, आप घुमाओगे, हैंडविल को घुमाओगे तो क्या होगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है। हैंडविल को घुमाओगे तो क्या होगा, आपका सैंपल ऊपर आएगा। तो आपको तब तक उसको घुमाते रहना है इसको, या बोल सकते हो कि एनविल को तब तक ऊपर लेके जाना है जब तक ये सैंपल जो है ना इंडेंटर से टच में ना आ जाए। ये आपका सैंपल है, आपको तब तक इसको ऊपर लेके जाना है जब तक ये सैंपल जो है वो इंडेंटर के टच में ना आ जाए, ठीक है। जैसे ही टच करेगा आपको रुकना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको स्टेप क्या होगा, फोर्थ नंबर में स्टेप होगा, आपको फिर से हैंडविल को फिर से घुमाना है, मतलब टच करना है। टच करने के बाद मतलब एक तरह से रुकना नहीं, जैसे ही टच होगा ना इंडेंटर, उसके बाद फिर से आपको घुमाना है हैंडविल को। तब तक घुमाओगे जब तक ये जो स्केल है, ये देखो ये जो छोटा वाला स्केल है वो 3 पे नहीं आ जाता, रेड कलर का यहाँ पे पॉइंट दिखा हुआ है, वहाँ पे छोटा स्केल को सेट करना है, और ये जो बड़ा स्केल है ना उसको 0 पे सेट करना है, ठीक है। ये जब हो जाएगा मतलब ये इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि आपका माइनर लोड अप्लाई हो चुका है, आपका क्या है, माइनर लोड अप्लाई हो चुका है, ठीक है।
तो देखो इंडेंटर जैसे टच में आएगा ना, उसके बाद जब और आप एनविल घुमाओगे माइनर लोड देने के लिए, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अब क्या हुआ है। टच होने के बाद आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा क्योंकि इंडेंटेशन स्टार्ट हो गया है, क्योंकि माइनर लोड लगना शुरू हो गया, तो आपको हैंडविल को घुमाना है। तो जैसे ही आप हैंडविल को घुमाओगे ना, उसमें माइनर लोड अप्लाई होना चालू हो जाएगा। तो तब तक घुमाना है जब तक ये छोटा वाला पॉइंट जो है वो 3 पे आके सेट नहीं हो जाता, और ये जो बड़ा वाला स्केल है वो 0 पे सेट नहीं हो जाता, ठीक है। तब तक आपको घुमाना है। तो जैसे सेट हो जाएगा, मतलब आप मान लीजिए माइनर लोड 10 kg का माइनर लोड अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो माइनर लोड अप्लाई कर दी। अब माइनर लोड अप्लाई करने के बाद क्या करना है, अब आपको मेजर लोड अप्लाई करना है। माइनर लोड आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेजर लोड अप्लाई करना है। तो मेजर लोड के लिए मैंने क्या बताया, ये एनविल को क्या करना है, जो इधर रहेगा लोडिंग पोजिशन में, उसको आप लोडिंग पोजिशन पर ला दोगे, ठीक है। जैसे ये लोडिंग पोजिशन पर आएगा एनविल, या सॉरी लीवर, उसमें लोड लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही लोड लगेगा ना, मेजर लोड जब आप अप्लाई करोगे, तो क्या होगा, ये जो है, ये जो बड़ा स्केल है ना, ये जो बड़ा स्केल है ना, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं, एंटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गया, घूमना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप मेजर लोड अप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखा है मेजर लोड, जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, ये जो बड़ा वाला डायल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चालू हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ऐसे 0 से जहाँ जो 0 पर रहेगा ना, वो इधर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमना चालू हो जाएगा, ठीक है। और जब घूमेगा ना, तो फिर घूमते घूमते किसी पोजीशन में रुकेगा वो, ठीक है, किसी पोजीशन में रुकेगा, है ना। तो आपको उसके रुकने का वेट करना है, क्या करना है, पॉइंटर के रुकने का वेट करना। जैसे ही मेजर लोड अप्लाई करोगे ना, ये रोटेट करेगा बड़ा पॉइंटर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो आपको 10 सेकेंड के लिए रुकना है। 10 सेकेंड में ये पॉइंटर जो है ना, वो क्या हो जाएगा, स्टेडी पोजीशन में आ जाएगा, मतलब रुक जाएगा वो 10 सेकेंड के अंदर, ठीक है। जैसे ही ये पॉइंटर रुकता है 10 सेकेंड में, आपको 10 सेकेंड वेट करना है। 10 सेकेंड वेट करने के बाद अब आप क्या करोगे, जो आपने माइनर जो मेजर लोड अप्लाई किया है उसको अनलोड कर दोगे। अब आप क्या कर दोगे, अनलोडिंग कर दोगे, ठीक है। जो आपने लोडिंग दिया था ना, अब आप उसको क्या कर लो, अनलोड कर दो। तो जैसे ही आप अनलोड करोगे ना, ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर क्या होगा, किसी पे जगह आके रुका रहेगा, जैसे ये पॉइंटर यहाँ पे आके रुका, ठीक है। तो जब आप लोड लगाओगे ना, उस समय जो पॉइंटर रुकेगा किसी पोजीशन में, वहाँ की आपको रीडिंग नहीं लेनी है, ठीक है। लोड लगाने के बाद की रीडिंग नहीं लेनी है, जब आप अनलोड करोगे, तो जब आप अनलोड करोगे ना, तो ये पॉइंटर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने के बाद ये किसी एक पोजिशन पर आके रुक जाएगा, जैसे इस पोजिशन पर आके रुक गया, ठीक है। अनलोड के बाद ये किसी एक पोजिशन पर आके रुक जाएगा। अब ये जो जिस पोजीशन पे रुकेगा ये पॉइंटर, वही आपकी क्या बताएगी, हार्डनेस की वैल्यू बताएगी, ठीक है। जैसे कि ये पॉइंटर यहाँ पे आके रुक गया अनलोडिंग के बाद, अब आप देखो, अब आप इसमें रीडिंग ले सकते हो। जब से अब आपने क्या किया, मान लीजिए सी स्केल यूज़ किया था शुरू में, हमने क्या किया था, सी स्केल यूज़ किया था, इसके हमने डायमंड इंडेंटर यूज़ किया था, और 150 kg का मेजर लोड दिया था, और उसमें एक और चीज़ दिया था कि कौन सा डायल को आपको देखना है। तो हमने देखा था कि ब्लैक डायल को हमको ऑब्जर्व करना है। तो ये देखिए, अब तो ब्लैक स्केल में रीडिंग लेनी है आपको। देखो ब्लैक में कौन सी रीडिंग लेनी है, ये 30 है, यहाँ पे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। तो हार्डनेस वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, 37। 37 इसको बोलोंगे HRC, क्योंकि आपने सी स्केल लिया, इसलिए HRC। अगर बी स्केल लिया होता तो क्या होता, HRB होता वो, ठीक है। ये सी स्केल की रीडिंग हो गई। अब मान लीजिए यही अगर बी स्केल में मुझे रीडिंग लेना होता, मान लीजिए मैं बी स्केल यूज़ कर रहा होता और यहाँ पर रीडिंग आती, तो आप बी स्केल में कैसे रीडिंग देखते, तो यहाँ पे देखिए ये 60 है, यहाँ पे 60 है, इसके बाद आप गिनना चालू करो, ये 60 है, मतलब ये 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, मतलब 67 होता, 67 ये बी स्केल मिला, तो ये HRB हो जाता, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, शुरू में जो आप स्केल यूज़ करोगे ना, वहाँ पे देख लेना है कि रेड स्केल को देखना है कि ब्लैक को देखना है, ठीक है। तो सी के केस में हमको ब्लैक को देखना रहता है, बी के केस में हमको, बी स्केल के केस में हमको रेड रेड को देखना होता है, ठीक है। तो पॉइंटर एक ही है, आपको अपने हिसाब से वो रीडिंग लेना है। तो ये जो रीडिंग आएगी ना, वही आपके एक्चुअल हार्डनेस की वैल्यू होगी, ठीक है।
अब आपको मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूँ प्रोसीजर क्या क्या था। पहला क्या था, आपको सैंपल को क्या करना है, सबसे पहले स्टेप था आपको लोड और इंडेंटर सेलेक्ट कर लेना है ना, अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग देख लेना है कौन सा स्केल यूज़ करोगे, उस हिसाब से अपना इंडेंटर यूज़ कर लोगे और उस हिसाब से अपना लोड को आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, लोड सिलेक्टिव नॉब से लोड सेलेक्ट कर दोगे, यहाँ पे इंडेंटर लगा दोगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो एनविल है यहाँ पे आप अपना सैंपल रख दोगे। ठीक है, सैंपल रखने के बाद इस हैंडविल को घुमाओगे, ठीक है, ताकि ये एनविल ऊपर जाए, और जैसे ऊपर जाएगा मटेरियल और इंडेंटेड जो इंडेंटर है वो आपस में कांटेक्ट में आएंगे, तो जैसे कांटेक्ट में आएंगे रुक जाना है, फिर उसके बाद आपको फिर से एनविल घुमाना है। ठीक है, इस बार जब आप हैंडविल घुमाओगे तो थोड़ा सा आपको प्रेशर देना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रेशर ज़्यादा देना पड़ रहा है, मतलब इंडेंटेशन चालू हो गया, तो आप एनविल को फिर से घुमाना चालू करोगे और स्मूथ घुमाना है, रुक रुक के नहीं घुमाना, स्मूथली घुमाओगे। ठीक है, तब तक घुमाते जाओगे जब तक कि ये जो छोटा वाला पॉइंटर है वो ये रेड लाइन में नहीं आ जाता और ये जो बड़ा वाला पॉइंटर है वो जीरो में सेट नहीं हो जाता, तब तक आप घुमाओगे। ये जब दोनों सेट हो जाएंगे ना, ये ब्लैक में सेट हो जाएगा और ये जीरो में सेट हो जाएगा, तो आप मान लीजिए कि आपने माइनर लोड अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ठीक है, माइनर लोड अप्लाई हो गया, अब आपको क्या करना है, मेजर लोड अप्लाई करना है। तो जब आप मेजर लोड अप्लाई करोगे ना, तो स्केल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, इस डायरेक्शन में, तो आपको 10 सेकंड रुकना है, इस पॉइंटर को रुकने देना है। ठीक है, रुकने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसको अनलोड कर देना है। अब जैसे ही अनलोड करोगे ना, जैसे ही आप अनलोड करोगे, ये पॉइंटर वापस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, उसके बाद किसी एक पोजीशन पे आके रुक जाएगा, तो जिस पोजीशन पे आके रुकेगा वहाँ पे आप उसका रीडिंग ले लोगे। ठीक है, तो अनलोड करने के बाद आपको रीडिंग लेना है। ठीक है, लोडिंग के बाद रीडिंग नहीं लेना, लोडिंग के बाद जो आएगा वैल्यू उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, अनलोडिंग करने के बाद जो स्केल जो बताएगा वैल्यू वो उसका होगा हार्डनेस वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से रॉकवेल हार्डनेस में हम हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन का क्या एडवांटेज है? तो पहला एडवांटेज ये है कि बहुत ही रैपिड मेजरमेंट है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाता है। उसके अलावा क्या है, इसमें हार्डनेस वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जाती है स्केल में ही, मतलब डायल में ही आपको तुरंत वैल्यू मिल जाती है, किसी तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन फार्मूला वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, आप हार्डन स्टील से लेकर नॉन फेरस मटेरियल सबका आप टेस्टिंग कर सकते हो, मतलब कम हार्ड से लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल का सबका आप टेस्टिंग कर सकते हो और अच्छी एक्यूरेसी के साथ, है ना। और जो माइनर लोड हम अप्लाई करते हैं ना रॉकवेल टेस्टिंग में, बाकी टेस्टिंग में नहीं करते माइनर लोड अप्लाई, केवल रॉकवेल में करते हैं, तो जो माइनर लोड जो अप्लाई करते हैं ना, इससे क्या होता है, सैंपल में सरफेस फिनिश अगर अच्छा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा रस्टिंग है, डस्ट है, उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है माइनर लोड अप्लाई करने से। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में ना, जो इंडेंटेशन जो बनता है, जो इंडेंटेशन जो सैंपल में बनता है, मतलब जो गड्ढा बनेगा वो बहुत छोटा होता है, एज़ कम्पेयर टू ब्रिनेल और वीकर के केस में ना, बहुत छोटा सा उसमें गड्ढा बनता है इसमें, या बहुत छोटा सा इंडेंटेशन होता है रॉकवेल के केस में। ठीक है, तो उससे जो मशीन की जो यूजबिलिटी है वो ख़त्म नहीं होती, मतलब एक्चुअल मशीन कंपोनेंट में अगर आपको कोई हार्डनेस टेस्टिंग करना है, एक्चुअल मशीन कंपोनेंट मतलब उसको आपको ख़राब नहीं करना है, मान लो टेस्टिंग के बाद भी आपको उसको यूज़ करना है उस कंपोनेंट को, तो आप रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग करो। इससे क्या होगा, कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता, उसमें जो इंडेंटेशन होता है बहुत छोटा होता है। ठीक है, लेकिन ब्रिनेल और वीकर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा इंडेंटेशन हो जाता है, उसमें मशीन की यूजबिलिटी ख़राब हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये था एडवांटेज। ओके, तो ये था पूरा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मेथड के बारे में पूरा लेक्चर। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप ज़रूर बताना। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।